हेलो दोस्तों, जय माँ काल, राम राम, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले जो राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जिसमें राजस्थान की जीके आएगी, उसमें ये ट्रिकें सभी काम में आएंगी दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है, व्यापारिक फसलों की ट्रिक। राजस्थान में जो व्यापारिक फसलें होती है उनकी ट्रिक है। पहले व्यापारिक फसलों के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्यापारिक फसलें होती क्या है। तो व्यापारिक फसलें वे फसलें होती हैं, वे फसलें जिनके उत्पादन में मुख्य उद्देश्य व्यापार करने, विदेशी मुद्रा का अर्जन करने, यानी इसके विदेशी मुद्रा का अर्जन करने में जो काम में आती है फसलें, वो होती है व्यापारिक फसलें, विदेशी मुद्रा का अर्जन करना। तो दोस्तों, ये तो है, मतलब विदेशी व्यापारिक किसे कहते हैं, व्यापारिक फसलें किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक है, इस तरह रहो कि जैसे अंत आज हो। ये ट्रिक है दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, कि इस तरह रहो कि जैसे अंत आज हो। तो इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इससे हो जाएगा दोस्तों इसरगोल, ठीक है। और फिर ये जो स है इसका वाला, इससे ही हो जाएगा सफ़ेद मूसली। तय से हो जाएगा दोस्तों तंबाकू। रह से हो जाएगा दोस्तों रतनजोत। हो जाएगा दोस्तों होहोबा, जिसे जोजोबा भी कहते हैं, होहोबा हो गई। फिर इसके बाद में है दोस्तों कै। कैसे हो जाएगी दोस्तों जो कपास है, वो हो जाएगी। जैसे से हो जाएगी दोस्तों, जैसे हो जाएगी जेट्रोपा। से हो जाएगी दोस्तों सतावरी। दोस्तों ऐसे हो जाएगी दोस्तों अफीम। तैसे हो जाएगी दोस्तों तंबाकू। ये डबल बार आ गए, तो एक ही तंबाकू तो एक ही होता है, लेकिन नाम देख लेना तो एक्स्ट्रा है ना, इसलिए। आसे हो जाएगी दोस्तों अश्वगंधा। जैसे हो जाएगी दोस्तों जोजोबा। और हो से दोस्तों होहोबा, दोबारा हो गई ना। तो दोस्तों ये है इसकी ट्रिक, इसको 10 से 12 बार रिपीट कर के टेस्ट दे के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने काम की चीज़ है। तो दोस्तों ये है जो इसकी ट्रिक, और इनमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बायोडीजल के लिए किसकी खेती की जाती है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बायोडीजल के लिए किसकी खेती की जाती है। बायोडीजल के लिए जेट्रोपा की खेती की जाती है। होहोबा को क्या कहते हैं, होहोबा को पीला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होहोबा को पीला सोना भी कहते हैं। कपास को क्या कहते हैं, कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं, प्लेटिनम भी कहते हैं, और जल विद्युत भी कहते हैं। अफीम को दोस्तों काला सोना के नाम से जानते हैं, और बांस को हरे सोने के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, फसलों के बारे में पूछे जा चुके हैं कि व्यापारिक फसलें कौन कौन सी है या इनमें से कौन सी नहीं है। कल दोस्तों पढ़ेंगे हम जो राजस्थान की नकदी फसलें होती हैं, राजस्थान में जो, और इंडिया की, दोनों की मिक्स में ट्रिक पढ़ लेंगे। बता दूंगा कि यहाँ से इंडिया की है और यहाँ से राजस्थान की, उसी ट्रिक में, एक ही ट्रिक में राजस्थान और इंडिया दोनों की नकदी फसलों की ट्रिक हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो आप पहले वाले वीडियो देख लेना। नदियों की सहायक ट्रिकें, नदियाँ कहाँ कहाँ से निकल कर कहाँ कहाँ बहती है, उन सभी के बारे में है। झीलों के बारे में है कि कौन सी झील कौन से ज़िले में है, एक ही ट्रिक में ज़िले सहित झीलें याद हो जाएगी। बावड़ियों के बारे में देख लेना दोस्तों, कि बावड़ियों के नाम से ही उनके ज़िलों की ट्रिक याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, उसे ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और साथ साथ पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे दोस्तों, रुकना मना है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी दोस्तों का।